नमस्ते सभी को। तो हम लोग लेक्चर 8 को डिस्कस कर रहे थे और लेक्चर 8 में हम ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय इन मुद्दों पे बात कर रहे थे। दिखता है कि ज्ञाता जानने वाला मैं हूँ, ज्ञेय जानने की वस्तु समूचा अस्तित्व है, पूरे अस्तित्व की व्यवस्था है, और ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना है। तो जब मैं चिंतन बोध अनुभव में जागृत होता हूँ तो मेरी ऐसी स्थिति बनती है, तो मुझे अस्तित्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनुभव के क्रिया में मैं देख पाता हूँ पूरा कैसे पूरी प्रकृति शून्य में संपृक्त है, पूरा अस्तित्व किस प्रकार से अस्तित्व है। जब मैं देख पाता हूँ तो मेरे अंदर प्रकृति की व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट होती है, मैं पूरी प्रकृति की व्यवस्था को देख पाता हूँ, उसका मैं बोध कर पाता हूँ। बोध की क्रिया में मुझे सब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैसे ही चिंतन में मैं स्वभाव को संपूर्णतया देख पाता हूँ, मैं हर एक अवस्था के स्वभाव को देख पाता हूँ, चिंतन कर पाता हूँ। तो ये जब मेरे अंदर घटित होता है तो मेरे अंदर ज्ञान की पूर्णता होती है। तो जब मेरे अंदर ज्ञान की पूर्णता होती है तो उससे मेरे अंदर समाधान सुनिश्चित होता है। ये जो रेड एरो है, हॉरिजॉन्टल एरो है ना, जो बाई ओर है, तो अब मेरा जो ज्ञान है मेरी कल्पनाशीलता को गाइड करता है, कल्पनाशीलता इस ज्ञान के आधार पर नियंत्रित हो जाती है। तो पहले जो मान्यताओं या संवेदनाओं के दबाव में जो कल्पनाशीलता चल रही थी, अब उससे मुक्त हो जाती है, अब मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ, अब मेरी परतंत्रता नहीं रही, अब मुझे सुख के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं रही, सुख का स्रोत भीतर है। तो जब ये विकास मेरे अंदर होता है तो चित्रण की क्रिया अब गाइडेड है चिंतन की क्रिया से। तो अब मैं जो चित्रित करता हूँ अपने सुख को, समृद्धि को, तो उसको ठीक ठीक देख पाता हूँ। जब मैं तुलन करता हूँ तो प्रिय हित लाभ की दृष्टियों के आधार पर नहीं करता हूँ, संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के आधार पर करता हूँ, और उससे मेरे प्रिय हित लाभ की दृष्टियां नियंत्रित रहती हैं। वैसे ही जब मेरे अंदर ये प्रिय हित लाभ की दृष्टियां नियंत्रित रहती हैं, न्याय धर्म सत्य की दृष्टियां जागृत रहती हैं, यानी संबंध व्यवस्था से अस्तित्व की दृष्टि जागृत रहती है, तो जो मैं आस्वादन करता हूँ निरंतर सुख का करता हूँ। तो जहां मैं रुचिमूलक आस्वादन से पहले सुखी होने में लगा हुआ था, उसके वजह अब मैं लक्ष्य का आस्वादन करता हूँ, मुझे मानव लक्ष्य दिखाई देता है ना, मुझे मूल्य दिखाई देते हैं, और उनसे मैं हर क्षण सुख का आस्वादन करता हूँ, मैं निरंतर सुख की स्थिति में रहता हूँ। तो इमेजिनेशन की जो स्थिति बनती है कल्पनाशीलता की, अनुभव बोध चिंतन के साथ इस प्रकार बनती है, और वो मेरे आचरण में जाता है, उसी को संक्षेप में यहाँ रखा गया। तो बात यही है कि मैं अस्तित्व का अनुभव कर पाता हूँ, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित होता है, व्यवस्था में भागीदारी का चिंतन होता है, इससे मेरी पूरी कल्पनाशीलता नियंत्रित होती है। तो हम इन पे और चर्चा करेंगे, और वैसे हम लोगों ने मॉड्यूल 1 में भी सेल्फ के डायग्राम को ओपन करके और पूरे अस्तित्व के डायग्राम को ओपन करके चर्चा किया ही था, उसको हम और आगे लेके चलेंगे। तो चिंतन बोध अनुभव के बारे में और विस्तार से बात करेंगे लेक्चर 12 में, और जो ब्रीफ डिस्कशन है प्रोसेस ऑफ नोइंग के बारे में, ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में हम लोग ने यहाँ पे की, और इसके साथ अब हम पूरे अस्तित्व के एक खाका भी बना सकते हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसको थोड़ा ब्रीफली रिकैप भी कर लेते हैं। होमवर्क के रूप में देखें तो ये होमवर्क हमने कल लिया ही था कि मेरी ही क्रिया है, मेरी आवश्यकता है जानना, तो हमें ये देखना है कि जानने की वस्तु क्या है, और जब मैं जानने की प्रक्रिया में हूँ तो मेरी कौन सी क्रियाएं उसमें जागृत हो रही है, इसको मैं देख सकता हूँ। ये भी हम देख सकते हैं कि जो जानने की वस्तु है डेफिनेट है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, निश्चित है, सार्वभौमिक है, या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अनिश्चित है। तो जो पहले ही बात हुई कि रूप और गुण को देखने जाते थे उसमें एक वेरिएशन दिखाई देता है, उसमें सार्वभौमिकता नहीं दिखाई देती, स्थान के साथ समय के साथ बदलता रहता है, तो वो जानने की वस्तु तो नहीं है। जानने की जो वस्तु है वो तो स्वभाव धर्म परम धर्म है, बट इसको अपने आप में देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि जब हम किसी वास्तविकता को देखने का प्रयास कर रहे हैं हम किस स्तर से देख रहे हैं, आस्वादन के स्तर पर देख रहे हैं, तुलन के स्तर पर देख रहे हैं, या चिंतन के स्तर पर देख रहे हैं, बोध के स्तर पर देख रहे हैं, या अनुभव के स्तर पर देख रहे हैं, हमारी अभी जागृति की स्थिति क्या है।
इन सब चीजों को लेकर अगर हम अपने में थोड़ा समय लगाएं तो उससे हम अपना सही सही मूल्यांकन कर पाएंगे कि अभी हम कितने जागृत हैं, है ना, कितनी देर तक मैं संवेदनाओं के स्तर पे आस्वादन के लिए एक्टिव रहता हूँ, कितनी देर पे कितना समय मैं विचार में लगा देता हूँ, कितना समय मैं भाव को ठीक ठीक देख पाता हूँ, कितना समय मैं सही भाव को अपने अंदर सुनिश्चित कर पाता हूँ कि नहीं, मैं व्यवस्था को देख पाता हूँ, ये अपने एक मूल्यांकन के लिए। इस पूरी लेक्चर को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्ते भैया। हाँ भैया, जो हमने चारों अवस्थाओं का जो चार्ट लिया था, थोड़ा उसमें और क्लेरिटी के पॉसिबल हो गए, और थोड़ा उसको एक बार और आप विद एग्जाम्पल थोड़ा समझा सकें, क्योंकि थोड़े से डाउट्स बन रहे हैं वहाँ पे। उसमें एक जी तो आप बोल रहे हैं कि रूप गुण स्वभाव धर्म और व्यवस्था। देखिए, हर इकाई ही क्रिया है, उसी क्रिया का एक रूप है, उसी क्रिया का गुण है, उसी क्रिया का स्वभाव है, धर्म है, परम धर्म है। तो डायग्राम को हम लोग वापस जब मॉड्यूल 4 में एग्जिस्टेंस पे बात करेंगे तो ओपन अप करेंगे, अदरवाइज इसमें काफी समय लगेगा। तो फिर मॉड्यूल 4 में हम लोग पूरे अस्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, पूरी प्रकृति के चारों अवस्थाओं के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो आपने प्रश्न किया तो देखें तो इकाई क्रिया है, तो हर क्रिया का एक रूप है, गुण है, स्वभाव है, धर्म है, परम धर्म है। और आप आएंगे अवस्था के अनुसार क्रियाओं में स्वभाव धर्म परम धर्म की एक रूपता होती है। तो एक किसी एक अवस्था में अगर देखें तो जो उसमें क्रियाएं हैं उसमें स्वभाव धर्म परम धर्म की एक रूपता होगी, रूप और गुण की एक रूपता नहीं होगी। तो जानने की वस्तु क्या है, स्वभाव धर्म और परम धर्म। तो बात ये थे कि 9 मुद्दे हैं, चारों अवस्थाओं का स्वभाव, चारों अवस्थाओं का धर्म और पूरी प्रकृति का शून्य में संपृक्त होने यानी सहअस्तित्व। तो यही जानने की वस्तु है। और इसमें कौन सी क्रियाएं हमारी शामिल है, तो चिंतन बोध अनुभव की क्रिया शामिल है, संकल्प और प्रमाण की क्रिया शामिल है यानी B1 की क्रिया शामिल है। सेल्फ का B1 या B2 कंपोनेंट कौन सा इन्वॉल्व है वो हमको चेक करना है इसमें। जी, तो B1 इन्वॉल्व है, तो B2 में तो हम रूप और गुण को देखते हैं, बट स्वभाव धर्म परम धर्म को B1 में ही जाके देख पाते हैं। हाँ, ये और बात है कि जब हम स्वभाव धर्म परम धर्म को देख रहे हैं तब भी कल्पनाशीलता तो एक्टिव है ही, बट जो दिखना होगा वो ब्लॉक B1 में होगा, स्वभाव धर्म परम धर्म का दिखना ब्लॉक B2 में नहीं होगा। ये जो सेकंड पॉइंट है, इज एवरीथिंग टू बी नोन डेफिनेट एंड यूनिवर्सल और आर देयर सम थिंग्स दैट आर इनडेफिनेट। तो इसमें तो हमको जो 3 ऑर्डर्स दिखते हैं, पदार्थ, प्राण और जीव, ये तो हमको डेफिनेट ऑर्डर में दिखते हैं, पर जी ये ज्ञान अवस्था जो है वो इनडेफिनेट ऑर्डर में दिखती है अगर उसके भाव स्थिर नहीं है। तो अगर स्थिर हो गए तो उसका भी आचरण डेफिनेट ही हो जाएगा। क्या ये सही है इस पॉइंट को? हाँ, तो यहाँ पे जब डेफिनेट वर्ड का यूज कर रहे हैं तो रूप और गुण को भी देखें तो उसमें निश्चितता नहीं है, बदलते रहते हैं। तो अच्छा, ये बात हो रही है कि जो डेफिनेट है वो तो स्वभाव धर्म और परम धर्म है, रूप और गुण डेफिनेट नहीं है, बदलता रहता है, तो उसको कहाँ तक जानेंगे। जैसे धरती के हर मनुष्य का चेहरा अलग तरह का है, उसको कहाँ तक याद करेंगे, वो जानने की वस्तु नहीं है। हर पेड़ पौधे का रूप अलग प्रकार का है, उसमें वेरिएशन है, वेराइटी है, तो कहाँ तक जानेंगे। तो ये सब सूचना की वस्तु है। माने यहाँ पर हम लोग हाँ, आचरण नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल को देख रहे हैं। रूप और गुण को नहीं देख रहे हैं, स्वभाव धर्म परम धर्म को देख रहे हैं। तो आचरण की अगर बात करें तो इसका एक्सप्रेशन है जी, भागीदारी के टर्म्स में है। थैंक यू भैया। तो हम लोग लेक्चर 8 में ज्ञान ज्ञाता के मुद्दों पे बात किया, अभी हम लोग इसका जीने में क्या प्रभाव बनेगा उस पे बात करने वाले, उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे ह्यूमन लिविंग में, एग्जिस्टेंस में, है ना। तो जो बात हमें समझ में आ गई हमारे आचरण में जीने में कैसे आएगी इस पे बात करेंगे जी। तो हम लोगों ने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि जानने वाला कौन है, मैं हूँ। जानने की वस्तु क्या है, अस्तित्व तो समग्र, और जानने की प्रक्रिया क्या है, चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना, यही जानने की प्रक्रिया है। लेक्चर में हम लोग थोड़े और डिटेल्स में जाएंगे। तो जानने की वस्तु के रूप में देखें तो मानव का ज्ञान हो जाए, अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, और अस्तित्व मानव की भागीदारी का ज्ञान हो जाए, ये 3 मुद्दे हैं। तो यही जानने की वस्तु है। जब अस्तित्व के ज्ञान की बात कर रहे हैं,
से समग्र की, तो इन तीन मुद्दों पे बात होनी है। और इसमें जो शुरुआत कर रहे हैं वो मानव के ज्ञान से कर रहे हैं, क्योंकि मानव ही ज्ञाता है, तो इसलिए मानव के ज्ञान से शुरू करेंगे, मानव को समझते हुए शेष प्रकृति को भी समझेंगे। इनफैक्ट आपको दिखाई देगा कि जब मैं स्वयं को जान पाता हूँ तो मैं चैतन्य इकाई को जान पाता हूँ, जब मैं शरीर की ओर ध्यान देता हूँ तो मैं जड़ इकाइयों को जान पाता हूँ, तो अपने को जानते हुए मैं समूचे अस्तित्व को जान पाता हूँ। और मैं शून्य में बना हुआ हूँ, शरीर शून्य में बना हुआ है, तो हम शून्य में अपनी संपृक्तता को भी देख पाते हैं। तो इस प्रकार स्वयं को जानने क्रम में हम अस्तित्व समग्र को भी देख पाते हैं, और इसी क्रम में हम अपने आचरण को भी देख पाते हैं। तो आप पाएंगे कि जब मैं 3.1.1 के लिए काम कर रहा हूँ तो 3.1.2 और 1.3 पे भी काम हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में होगा कि मानव को जाना तब तक अस्तित्व कार्य में कुछ नहीं जाना, जब अस्तित्व को जाना तब जाके मानवीय तपन आचरण को जाना, ऐसा नहीं। ये तीनों काम साथ साथ होते हैं। जैसे हम चिंतन में जब जागृत होते हैं तो हमको स्वभाव दिखाई देता है, बोध में जागृत होते हैं तो धर्म दिखाई देता है, अनुभव में जागृत होते हैं अस्तित्व दिखाई देता है ना। और इस क्रम में मैं भी अपने आप को जान पा रहा हूँ और मैं अस्तित्व को भी जान पा रहा हूँ। जब मुझे बोध दिखाई देता है तो पूरी प्रकृति की अवस्था का बोध मैं देख पाता हूँ, सुनिश्चित कर पाता हूँ, पूरी प्रकृति की है ना अवस्थाओं का मैं स्वभाव को अपने आप में देख पाता हूँ। चिंतन के स्तर पर अस्तित्व को जब देखता हूँ तो शून्य को भी देख पाता हूँ। तो ये साथ साथ चलते हैं, तो फ्रैगमेंटेड नहीं है, ये साथ साथ चलते हैं। तो मेरी क्रियाएं जागृत होती जाती हैं और अस्तित्व का ज्ञान भी होता जाता है। तो जानने के अस्तित्व अस्तित्व है, अस्तित्व के ज्ञान के साथ ही मेरा विकास होता है। और जब तक मेरे में वो विकास नहीं हुआ, वो विकास की संभावना भी है, उसको मैं जान नहीं पाता हूँ। तो ये साथ साथ चलते हैं। और ये भी हम लोग कई बार बात करते ही रहे हैं कि जब मैं जीता हूँ तो मेरे अंदर जानने की अर्हता, जानने की तैयारी, तत्परता, निष्ठा बनती है। तो जो वास्तविकता को हमें जानना है संपूर्णता में, ये तीन मुद्दे, मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मान्यता पूर्ण आचरण का ज्ञान, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो मानव के ज्ञान के बारे में हम मॉड्यूल 3 में विस्तार से बात करेंगे, काफी बात हुई भी, और इनफैक्ट आप पाएंगे कि उसमें हमें लौट लौट के कई बार बात करने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे प्रश्न रह जाते हैं। तो जैसे डायग्राम सामने आ गया, वो शब्द सामने आ गए, बट जब उन शब्दों में मैं उतरता हूँ उसके अर्थ में, तो कई सारे नए प्रश्न बनते हैं। तो आप पाएंगे कि ओवरऑल कंटेंट तो बहुत छोटा सा है, एक सेल्फ का डायग्राम है, एक अस्तित्व का डायग्राम है, और जब आचरण की बात करते हैं तो दो तीन चीजें सामने आएंगी, कुल मुद्दा इतना ही है। बट उस सेल्फ के डायग्राम में जब हम विस्तार में जाते हैं एक शब्द में और उसको हम समझने और जीने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे नए नए प्रश्न बनते हैं। वैसे ही अस्तित्व के डायग्राम को देखते हैं तो उसमें एक एक अवस्था को लेकर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और वैसे ही आचरण को लेकर। तो प्रस्ताव संक्षेप में देखें तो बहुत संक्षिप्त है, और उसको जब जांचने जाते हैं, जी कर देखने जाते हैं, तो बहुत फैला हुआ दिखाई देता है। तो मानव के ज्ञान के बारे में हम लोगों ने काफी बात की है, परंतु उसको हम लौट के फिर बात करेंगे, एक एक क्रिया के बारे में और बात करेंगे मॉड्यूल 3 में। अस्तित्व के ज्ञान के बारे में जब बात करेंगे तो मॉड्यूल 4 में करेंगे, और मानव के आचरण को लेकर हम लोग मॉड्यूल 3 में थोड़ी बात करेंगे, और फिर मॉड्यूल 5 में विस्तार से बात करेंगे। इसमें दो मॉडल्स की बात करेंगे मान्यता पूर्ण आचरण को रखने के लिए, तो उनके भी हम विस्तार से बात करेंगे। इस तरह से आगे के 3 मॉड्यूल्स अरेंज है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो मानव के जीने में ज्ञान का क्या प्रभाव बनेगा, तो स्वयं में क्या प्रभाव बनेगा, आचरण में क्या प्रभाव बनेगा, तो हम इसको देख सकते हैं कि कैसे जो स्वयं में ज्ञान सुनिश्चित हुआ वो मेरी सारी क्रियाओं को व्यवस्थित करता है, और मैं कैसे अपने आप में निरंतर सुख स्थिति में रहता हूँ। वैसे हम देख सकते हैं कि ज्ञान कैसे हमारे आचरण में जाता है। तो जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 और 4 में आचरण वाले भाग को, मानव के ज्ञान और अस्तित्व ज्ञान को, तो मानवता पूर्ण आचरण के ज्ञान को हम और विस्तार पूर्वक लेंगे मॉड्यूल 5 में। तो डिटेल डिस्कशन तो हम लोग बाद में करेंगे, परंतु इसको संक्षेप में भी देख लेते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो मेरी ये स्थिति बनती है ज्ञान के साथ,
तो सेल्फ में अगर हम देखें तो क्या घटित होता है, तो ज्ञान के धार पे मेरी कल्पनाशीलता नियंत्रित होती है। ये जो रेड एरो है ना, हॉरिजॉन्टल है बाई तरफ, वो दिखा रहा है कि कैसे गाइडेंस मिलता है मुझे, कैसे ब्लॉक B1 से ब्लॉक B2 को गाइडेंस मिलता है, कैसे मेरे अंदर जो ज्ञान सुनिश्चित हुआ वो मेरी कल्पनाशीलता को नियंत्रित करता है, कल्पनाशीलता में कैसे हारमोनी सुनिश्चित होती है। तो मेरे अंदर सांस्कृतिक का अनुभव हुआ, व्यवस्था का बोध हुआ, स्वभाव का चिंतन हुआ, तो उससे मेरे अंदर जब चित्रण होता है वो इस बात का होता है कैसे मानव लक्ष्य को पूरा किया जाए, कैसे हर व्यक्ति में समाधान सुनिश्चित हो, हर परिवार में समृद्धि हो, है ना, समाज में अभय हो, प्रकृति में सहस्तित्व हो। जहाँ हमारा चित्रण अभी हो सकता था कि कैसे मेरा करियर बेहतर बने, है ना, कैसे मेरे पास और सुविधाएं हो जाए, कैसे मैं और ज्यादा संग्रह कर लूं और नाम कमा लूं, है ना, और लोग मेरे पीछे चलने लगे, अभी उल्टे पुल्टे बहुत सारे चित्रण हो सकते हैं। ज्ञान के बाद जो चित्रण की स्थिति बनती है उस अर्थ से बनती है कि कैसे मानव लक्ष्य पूरा हो, है ना। जहां मैं अभी सुविधा संग्रह की सोचता था, उसके बजाय मैं सोचता हूँ हर परिवार में कैसे समृद्धि हो कि नहीं। जहां मैं भयपूर्वक दूसरों से लड़ने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहा था, अब मैं देखता हूँ कि कैसे समाज में अभय हो कि एक भी शस्त्र न बनाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कैसे बने। जहां मैं प्रकृति पे शासन करने की, प्रकृति का दोहन शोषण करने की सोचता था, अब मैं सोचता हूँ प्रकृति में सहस्तित्व तो कैसे हो, कैसे एक एक पक्षी जानवर इस सब प्रकृति की व्यवस्था में बने रहे, पेड़ पौधे ये सब बने रहे, इनका बना हुआ हो होना हो और मैं भी निरंतर सुखपूर्वक जी पाऊँ। तो हमारा चित्रण अब इससे गाइडेंस लेता है। तो चित्र ने पहले बहुत सारा उल्टा पुल्टा चल रहा होगा मान्यता के दबाव में, मान्यता के प्रभाव में, अब उन मान्यताओं से मुक्त होकर मैं मानव लक्ष्य के अर्थ में चित्रण करता हूँ। तो जब मैं विचार करता हूँ उसमें तुलन और विश्लेषण कर रहा हूँ, तुलन की दृष्टियां पहले हो सकता है अनियंत्रित थी, तो यही लाभ के अर्थ में तुलन करता था मैं। ये का मतलब कि कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए, हित मतलब मैं शरीर को अधिक से अधिक संरक्षण दे दूं, लाभ मतलब लेन देन में मुझे मुनाफा मिल जाए, अधिक से अधिक सुविधाएं मिल जाए, तो पहले अनियंत्रित थी, है ना, अब ये नियंत्रित हो जाती है संबंध के अर्थ में। तो अब जब मैं विनिमय करता हूँ किसी के साथ तो लाभ केंद्र में नहीं होता, कैसे मेरी भी आवश्यकता पूरी हो, अगले व्यक्ति की भी आवश्यकता पूरी हो, देन देन के भाव से अब मैं विचार करता हूँ। पहले से मैं लेन देन या लेन देन के भाव से विचार करता था कि दूसरे से मैं अधिक से अधिक ले लूं, अब मैं देन देन के भाव से विचार करता हूँ, तो मेरे विचार में परिमार्जन हुआ, है ना। तो जो लाभ की दृष्टि हुई वो परिणत होती है, उसको प्रतिफल भी कहते हैं, कि मुझे मेरे श्रम के अनुसार सुविधा मिल जाए, अगले को उसके श्रम के अनुसार सुविधा मिल जाए। आप पाएंगे कि समाज में जो बहुत सारा आंदोलन क्रांति हुआ उससे हुआ क्योंकि हमने लाभ को केंद्र में रख दिया। अगर उभय सुख को, पूरकता को, है ना, प्रतिफल को केंद्र में रखते हैं तो घटनाएं नहीं होती। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि जो किसान है उसके घर भी उसकी आवश्यकताएं पूरी हो, मेरी तो वही उसके घर की आवश्यकताएं पूरी हो, तो किसान का शोषण नहीं करेंगे। किसान को अगर हम एक पीढ़ी दो पीढ़ी शोषण करेंगे फिर किसान हथियार उठा लेगा, फिर नक्सलिज्म की प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं। तो इस तो शोषण का पूरा इतिहास है। जब मेरे अंदर ज्ञान सुनिश्चित होता है तो जो लाभ की दृष्टि है वो नियंत्रित हो जाती है, है ना। अब मैं न्याय के अर्थ में, संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में जो सुविधा है उसके लेन देन के बारे में विचार करता हूँ, प्रतिफल के अर्थ में विचार करता हूँ। वैसे ही मैं जहां भी अधिक से अधिक चीजों को भोग कर अपने आप को शरीर मानकर सुखी होने में लगा हुआ था और उसी को मैंने स्वास्थ्य माना हुआ था, और मुझे स्वास्थ्य का मतलब समझ आता कि शरीर मेरे साधन के रूप में काम करता है, ना, शरीर साध्य नहीं है, साधन है, साध्य तो ज्ञान है, साध्य तो आचरण है, तो मैं उस अर्थ में शरीर का ध्यान रखता हूँ। तो आप पाएंगे मेरा शरीर पहले ज्यादा स्वस्थ रहता है, कम सुविधाएं रखनी पड़ती है शरीर के लिए, है ना। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि अभी अब जब हमारी आय बढ़ती जाती है तो हम क्या करें, सबको लगता है भाई गाड़ी तो लेनी है, गाड़ी ले लिया तो गाड़ी खड़ी थोड़ी जाएगी, चलना ही है, फिर गाड़ी में चलते भी हैं,
फिर यहाँ क्यों, हर जगह गाड़ी में क्यों ना चले, तो हर जगह गाड़ी में जाते हैं। अब अगर आपने गाड़ी में हर दिन हर जगह जाने का अभ्यास बना लिया तो हाजमा खराब होना निश्चित है, मतलब हाजमा खराब हो रहा है, अब क्या करें, तो उसके अलग से जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। तो ऐसे अभी हम सुविधाओं को भोगते हैं और लगता है इसे सुख मिल रहा है, बट अल्टीमेटली उससे हमारा शरीर भी सफर करता है। एक बार हमको ये बात समझ में आती है, जब हमारे अंदर संबंध व्यवस्था शास्त्र की दृष्टि बनती है तो हम शरीर का उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं जैसा करना हमें सहज रूप से स्वीकार है। तो शरीर एक साधन के रूप में रहता है, उसके लिए कम सुविधा जुटानी है। अभी जहाँ हम सम्मान के लिए सुविधा जुटा रहे थे और शरीर को खराब कर रहे थे, अब हम बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में सहज रूप से, पैदल चलते हैं, साइकिल पर चलते हैं, शरीर से श्रम करते हैं, पसीना निकालते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। तो जो हित की दृष्टि है वो नियंत्रित होती है स्वास्थ्य के अर्थ में, और जो प्रिय की दृष्टि है उसको अभी हम शरीर की व्यवस्था को जब समझते हैं तो क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सब नियंत्रित होता है स्वास्थ्य के अर्थ में। तो प्रवृत्तियों के रूप में जाता है, तो जैसे हमारे शरीर की बनावट है उसके अनुसार हम भोजन लेते हैं, जैसे ऋतु है उसके अनुसार हम भोजन लेते हैं, उसके अनुसार हम संवेदनाएं लेते हैं, तो अब ये दृष्टियां नियंत्रित होती हैं। वैसे ही अगर हम आशा के स्तर पर देखें तो जहां अभी हम रुचि मूलक साधन में फंसे हुए थे उससे निकल कर हम रुचि का सदुपयोग कर पाते हैं, तो स्वाद जो है, रुचि है, अपने आप में समस्या नहीं है। जब स्वाद से सुखी होने जाते तो समस्या है, नहीं तो कोई सड़ा हुआ वस्तु मुंह में डालिए और पता लगता है, गंध से पता लगता है, देख के पता लगता है ये सड़ा हुआ है, खाने योग्य नहीं है, तो आस्वादन हो रहा है तभी तो पता लग रहा है। तो आस्वादन की क्रिया तो मुझमें है ही, इस आस्वादन में समस्या नहीं है, जब मैं इसे सुखी होने जाता हूँ तो समस्या है। तो ज्ञान के बाद ये होता है कि सहअस्तित्व व्यवस्था और संबंध के साथ है ना, ये मुझे मानव लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो अब मैं लक्ष्य मूलक आस्वादन करता हूँ, मुझे हर क्षण अपने अंदर लक्ष्य का ही आस्वादन होता है, मूल्यों का आस्वादन होता है, उसके साथ में फिर जो भी शरीर से सूचना आती है उसका मैं आस्वादन करता हूँ और उसका सदुपयोग करता हूँ, अपने अंदर में हमेशा सुख का आस्वादन करता हूँ लक्ष्य और मूल्य के साथ। अब उसी आधार पर चयन करता हूँ तो वही मेरे व्यवहार में जाता है, कार्य में जाता है, भागीदारी में जाता है। तो एक छोर पर मैं अपने अंदर अनुभव के लिए काम कर रहा हूँ, शास्त्रित्व का अनुभव हो जाए, संपृक्तता दिख जाए, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरे छोर पर मैं अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा में भागीदारी कर रहा हूँ, और ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर ऊपर के डायग्राम को देखें है ना, तो यदि अनुभव की क्रिया मुझमें जागृत होती है तो मैं अपने आप को शून्य में संपृक्त देख पाता हूँ, और शून्य के माध्यम से मैं पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ अपने को जुड़ा हुआ देख पाता हूँ कि नहीं। तो जो ऊपर का एरो है वो ये दिखा रहा है कि मैं कैसे पूरे अस्तित्व के साथ अपने को जुड़ा हुआ देख पाता हूँ, अपने आप को सहअस्तित्व में देख पाता हूँ। ये जो कई बार परंपरा में अहंकार शब्द का प्रयोग हुआ, इसी अर्थ में हुआ कि मैं अपने आप को अलग थलग देखता हूँ, ये अहंकार है। जब मैं पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ देखता हूँ तो परमानंद की स्थिति बनती है, ज्ञान की स्थिति बनती है। तो स्वयं में अनुभव होता है तो मैं अपने आप को शून्य में संपृक्त देखता हूँ, पूरे अस्तित्व के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ देखता हूँ, और वो मेरी कल्पनाशीलता को गाइड करता है। और ये जो एक्सप्रेशन में जाता है तो व्यवहार में, मेरा हर व्यवहार उभय सुख के अर्थ में होता है, मैं खुद में तो सुखी हूं ही, मेरे सुख का स्रोत भीतर है, तो मैं व्यवहार करके सुखी नहीं होता, सुखी होके व्यवहार करता हूँ, और व्यवहार ऐसा करता हूँ जो दूसरे के अंदर भी ज्ञान समाधान सुनिश्चित करे, तो उससे दूसरे का भी सुख सुनिश्चित होता है। दूसरा अगर सब मूल्यांकन कर ले तो शिक्षण होता है, नहीं कर पाए तो जब करता है तब होता है। वैसे जो मैं कार्य करता हूँ तो वह समृद्धि के अर्थ है, मेरे अंदर समृद्धि का भाव बना रहता है, मैं प्रकृति की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ, प्रकृति के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए कार्य करता हूँ। और जो मैं भागीदारी करता हूँ वो भागीदारी अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है ना, मानवीय परंपरा के अर्थ में करता हूँ मैं। तो इस प्रकार से मेरी भागीदारी बाहर दिखाई देती है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं हम कहीं बीच में खड़े हो सकते हैं। करने का जो काम है वो है कि एक छोर पे हम अनुभव के लिए काम करते रहे, दूसरी तरफ हम मानवीय परंपरा के लिए काम करते रहे, और आप पाएंगे इससे हमारी बहुत सुखद स्थिति बनती है, हमारी कल्पनाशीलता नियंत्रित होती है, निश्चित होती है, उलझने कम होती है। आप है ना, जैसे अगर हम मानवीय परंपरा तक विचार करें तो जो हम सामयिकता में जीते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर सुखी दुखी होते रहते हैं, उससे निकल कर हम
निरंतरता सार्वभौमिकता का संचार कर पाते हैं। और जब विचार करते हैं तो विचार पूरा नहीं पड़ता, तो देखना होता है, अनुभव करना होता है, वहां पहुंचने की बात आती है। तो इसको अगर हम दोनों को अपने अंदर बनाए रखें, एक छोर पे मुझे अनुभव के लिए काम करना है, दूसरी छोर पे मुझे सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा के लिए काम करना है, तो आप पाएंगे हमारा हमारी पूरी दिनचर्या है ना, उससे धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगती है। हमारा पूरा व्यवहार, हमारा जीने का ढंग, विचार सब व्यवस्थित होने लगता है। ये करने काम है। इसमें हम लोगों ने अभ्यास एक में काम किया कि अपने भाव के प्रति सजग हो, क्योंकि वो भाव की सजगता के साथ ही भाव में परिमार्जन है। तो हमारी भाव की सजगता बढ़ती जाती है जब मैं इसके लिए काम करता हूँ जी, उसका सुख मुझे भी मिलता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कर किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि यही सहजता है, यही सरलता है। इसके अलावा जो कुछ कर रहे हैं वो बोझ है। इनफैक्ट जब वो बोझ उतर जाता है तो लगता है हल्का हुआ जब तक वो बोझ नहीं उतरा रहता है, उस बोझ को ही असेट मानकर हम बड़े मेहनत से बना के रखते हैं, है ना, उसको संजो के रखते हैं, पाल के रखते हैं, नहीं उसी को जब देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि पूरे अस्तित्व में ये मानव का जो चैतन्य इकाई है ना, मैं उसमें ही विकास होना है। बाकी सब जगह तो आपको, जैसे अगर हम प्राणावस्था पदार्थावस्था की बात करें, चक्रिता दिखाई देती है, जीव में ज्ञान की संभावना नहीं दिखाई देती कि ज्ञान मुझ में ही होना है, यही मेरा विकास है। अस्तित्व में यही विकास का क्षेत्र है, यही विकास होना है। तो मेरे अंदर जब ये विकास होता है ना, तो मैं पूरे समाज की व्यवस्था के लिए, प्रकृति की व्यवस्था के लिए पूरक हो जाता हूँ। ये बात हम लोग की हुई थी कि अस्तित्व को देखते हैं, अगर एक नजर में देखें तो शून्य है, शून्य में संपृक्त प्रकृति है। जो प्रकृति है वो जड़ और चैतन्य इकाइयां, दो तरह की इकाइयों से बनी हुई है, और जो जड़ इकाइयां हैं दो अवस्थाओं में है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था। जो चैतन्य इकाई है वो जीवावस्था और ज्ञानावस्था में है। तो जीवावस्था में एक चैतन्य इकाई एक प्राणावस्था की इकाई के साथ अस्तित्व में होता है, तो जीवावस्था बनता है। वैसे ज्यादा विकसित कोई मैं है, चैतन्य इकाई है, तो मानव शरीर के साथ अस्तित्व में होता है, तो उससे ज्ञानावस्था बनती है। ज्ञानावस्था इसीलिए कहा कि ज्ञान हमारी मूलभूत आवश्यकता है ना, तो हम ज्ञान को सुनिश्चित कर पाते हैं, ज्ञान को सुनिश्चित कर पाते हैं, तो यही मेरा विकास है। इससे कि इम्पोर्टेंट निष्कर्ष ये भी निकलता है कि एक बार मेरा विकास हो गया, अब मैं लौट कर पुरानी स्थिति में नहीं जाऊंगा। कई बार हम ऐसा मान लेते हैं कि है ना, ये सब करके वापस मुझे कहीं जाकर जाना है और साइकिल के जहां से शुरू हुए तो वहीं पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक बार विकास हो गया, हमेशा के लिए हो गया। तो आप अगर अपने आप चित्रण भी करें कि मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं निरंतर उसमें रहूंगा, फॉरएवर, हर क्षण अपने आप में बना रहूंगा, शरीर रहे ना रहे ना मैं बना रहूंगा, मेरे अंदर सुख की स्थिति, आनंद की स्थिति, परमानंद की स्थिति बनी रहेगी। यही तो चाहिए, है ना, यही तो, इसी के लिए तो हम सभी काम कर रहे हैं। इसी को हम ठीक से भी देख नहीं पाते तो हमारी प्रायोरिटी नहीं सेट होती, देख पाते प्रायोरिटी सेट होती है। जितना साफ साफ देख पाते हैं उतना अनावश्यक चीजें छूटने लगती है, लगता है छोड़ना पड़ेगा, है ना, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शरीर है, हमने उसमें बहुत सारा अभी मेटेरियल जमा कर लिया, भारी भरकम शरीर हो गया, ठीक, तो उसको हम धोते भी रहते हैं कई बार, हमको लगता है कि कठिनाई भी हो रही है, बट हमको लगता है इसको तो और बचा के बना के रखना है, तो कई बार हम और उसमें मेटेरियल ऐड कर लेते हैं। जब हमको दिख जाता है कि ये सहज नहीं है, तो है ना, शरीर भी हमारा वैसे हो जाता है कि जितना आवश्यक है उतने का उतना हमें शरीर में जड़ वस्तुओं को रखा हुआ है, तो उसी तरह से जो बाकी सुविधाएं हैं उसके बारे में भी ऐसे हो जाता है कि जितनी सुविधाओं की आवश्यकता है उतना रख रहे हैं, इतने का सदुपयोग कर रहे हैं, संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं उसको भी उसी विधि से कर रहे हैं, है ना, कि जिन भावों के साथ मेरा सुख है वही भाव हमारे अंदर बने रहते हैं। अनर्गल भाव क्यों रखें हम दूसरों के प्रति, अनर्गल विचार क्यों करें दूसरों के प्रति। तो अभी बहुत सारी चीजों को हम असेट मानकर संजोए रखते हैं, बनाए रखते हैं, ज्ञान के साथ ये सब अनर्गल अनावश्यक जो है तिरोहित हो जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं रहती। तो अभी उनका छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छूट ही जाता है। जब हमको काम की चीजें मिली तो बेकाम की चीजें चली जाएंगी, छूट ही जाएंगी। तो ये हमको दिखाई देगा अपने जीने में, और यही विकास है, मानव का विकास है जी। तो जो परिमार्जन होना है वो जीव चेतना से मानव चेतना में होना है। जब जीव चेतना में जी रहे हैं तो मैं की कोई ऐसी स्थिति हो सकती है सिर्फ कल्पनाशीलता में ही क्रियाशील है,
ज्ञान के आप में कुछ काम हुआ नहीं है, तो बहुत सारी मान्यताओं का, संवेदनाओं का दबाव है, उसको ढो रहे हैं, है ना, उससे दुखी भी है, त्रस्त भी है, बट उसको बनाए हुए हैं, क्योंकि उसी को अपनी पूंजी मानते हैं। अब ऐसी समाज को भी हम बना देते हैं, समाज में भी देखें तो हम जो हमने माना वही फैलाते हैं। अगर हमने माना है सुविधा सुख है तो अपने बच्चे को भी वही सिखाते हैं, सुविधा सुख है। हमने माना हुआ है कोई भरोसे के लायक नहीं है, किसी विश्वास नहीं करना चाहिए, बच्चे को भी सिखाते हैं। तो वही चीज़ समाज में जाती है, वही चीज़ शिक्षा में चली जाती है, वही चीज़ परंपरा में चली जाती है। तो जो समाज की अब स्थिति बन जाती है वो कुछ ऐसी बन जाती है जैसा नीचे डायग्राम में दिखाया गया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे लोग तैयार होते हैं, है ना, वैसे शोषण, शासन, संग्रह, संघर्ष, उसी की परंपरा बन जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बट यदि हम शिक्षा को सही मायने में समझकर उसको केंद्र में ले आए, शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति में परिमार्जन के लिए काम करें, तो एक सुखद स्थिति बन सकती है, स्वयं में बनती है, और जहां स्वयं में बनती है वहां परस्परता में बनती है। तो अगर दाई तरफ देखें तो ये हमारा ब्लॉग भी वन एक्टिव होता है, तो वही बात समाज में जाती है ना, शिक्षा के द्वारा परंपरा के रूप में जाती है, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी हर मैं में इसकी सुलभता सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान की सुनिश्चितता हो जाए, तो ज्ञान की सुलभता हो जाती है, संबंध पूर्वक जीने की सुलभता हो जाती है, व्यवस्था पूर्वक जीने की सुलभता हो जाती है, अस्तित्व पूर्वक जीने की सुलभता होती जाती है, तो अगली पीढ़ी हमसे ज्यादा विकसित हो पाती है, उसके लिए सुलभता बनती जाती है। तो ये करने का काम है। तो मानवीय शिक्षा से मुझ में परिमार्जन होता है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखें तो कोर इश्यू तो मैं हूँ, तो अगर मुझे सही शिक्षा मिलती है तो मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो सब ट्रांसफॉर्मेशन समाज में जाता है कि नहीं। एक अच्छी सूचना कल मिली कि UGC ने इसको पूरे देश लागू करने का निर्णय लिया है, उसके लिए गाइडलाइंस जारी की है। तो अभी हायर टेक्निकल एजुकेशन में रहा प्राइमरली, अब हायर एजुकेशन में भी हो जाता है। तो हायर टेक्निकल एजुकेशन में देखें तो AICTE के अंदर 10,000 कॉलेज थे, UGC के अंदर तो कम से कम 50,000 होंगे, ये ज्यादा ही हो, इतने कॉलेजेस में अब बात जा सकती है, है ना। अब इतने सारे टीचर्स को तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो हम जितना स्वयं के विकास के लिए काम कर पाएंगे उतना ही हम दूसरों के विकास में सहायक हो पाएंगे। तो मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो मैं सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तत्पर होता हूँ, और सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक अनुकूल अवसर के रूप में देखें, है ना, इतनी बढ़िया अनुकूलता है कि अब सिर्फ हमारे तैयार होने की देरी है। अभी आज के दिन ऐसा हो गया है कि लोग तैयार बैठे हैं सुनने के लिए। आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो कहीं भी प्रस्ताव जाता था तो लोग कहते थे कि भाई इसको पढ़ाया क्यों जाना चाहिए, इसको तो आप इसको, है ना, ऐसे ही फ्री आवर्स में डिस्कस कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, क्लासरूम टीचिंग में क्यों जाएगा। तो हुआ कि नहीं भाई, अगर ये नहीं जाएगा तो फिर जो क्लासरूम में जा रहा है वो ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है पता कैसे चलेगा, और उसमें परिमार्जन कैसे होगा। तो हुआ ठीक है क्लासरूम में जाए, अब क्लासरूम में जाएगा तो भाई इस पर एग्जामिनेशन क्यों होगा, और जाएगा तो क्रेडिट्स क्यों होंगे, ऑडिट क्यों नहीं होगा। तो पहले शुरू हुआ तो ऑडिट कोर्स के रूप में हुआ, उस पर बहुत सारा प्रश्न उठता रहा कि जब टीचर के जीने में नहीं होगा तो उसको पढ़ाने से क्या फायदा, तो भाई टीचर के जीने में जाना चाहिए। तो फिर टीचर के जीने में भी आने लगा, लोगों को परिवर्तन दिखा, परिमार्जन दिखा, उससे प्रेरणा बनी, फिर यूनिवर्सिटी ने तय किया कि भाई इसको क्रेडिट कोर्स बनाओ, नहीं तो बच्चे पढ़ते नहीं है। तो क्रेडिट कोर्स बनाया गया, एग्जामिनेशन भी हुए नियमित रूप से हुए, अब हो रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट भी दिए जाए, है ना। फिर हुआ कि इंडक्शन प्रोग्राम में शुरू कर देते हैं इसको, क्यों सिर्फ एक कोर्स पढ़ाया जाए सेकेंड ईयर में। फिर हुआ कि हर ईयर में क्यों ना कोर्सेज हो, सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड ईयर में क्यों हो, फिर क्यों ना इसमें बच्चे में माइनर डिग्री मिल जाए। तो एक तरह से देखें तो समाज में परिमार्जन हो ही रहा है, अवसर बनते जा रहे हैं, और आज के दिन तो ये है कि हर तरफ स्वागत है। कुछ ऐसा ही अवसर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी दे दिया, उसमें मूल्य शिक्षा को जिस तरह से वरीयता दी गई, अभी NAC में देखें, NBA में देखें तो यहाँ पे वरीयता दी जा रही है, ये सब चीजें जरूरी है। रिसर्च की अगर NAC में बात होती तो एक्सटेंशन की बात होती है, खाली आप बैठ के कमरे में रिसर्च ना करें, समाज को उपकार भी होना चाहिए, है ना। वो जो सुविधा विहीन लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ आपको करने की जरूरत है। तो रिसर्च को एक्सटेंशन से जोड़कर देख रहे हैं, एक बहुत अच्छी अनुकूलता की स्थिति है कि नहीं।
तो जितना जितना व्यक्ति में परिमार्जन होता है उतना उतना समाज में परिमार्जन के लिए स्थिति और अवसर और अनुकूलता बनती जाती है। तो हम क्या समाज के रूप में चाहते हैं वो ऊपर लिखा है, मानव लक्ष्य की पूर्ति हो। और अभी समाज की स्थिति कैसी है उसको देखें तो कुछ जो नीचे लिखा हुआ है ना, तो चाहते तो हैं कि मानव लक्ष्य की पूर्ति हो, हर व्यक्ति में समाधान हो, ज्ञान हो, हर परिवार में समृद्धि हो, समाज में अभय हो, प्रकृति में शासित हो। तो जीने का आकलन करें तो कुछ नीचे जो लिखी स्थितियां हैं वो दिखाई देती हैं। उन्माद है फैला हुआ है ना, भोग उन्माद, काम उन्माद, लाभ उन्माद फैला हुआ है, युद्ध हो रहे हैं, आतंक फैला हुआ है, पूरे विश्व में देखे तो एक अस्थिरता का माहौल है। जब भी न्यूज ओपन करिए तो कोई ना कोई एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है, कोई वार्निंग दे रहा है, धमकी दे रहा है ना, कहीं तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ मनोरंजन की दुनिया में देखिए तो पूरा काम उन्माद, भोग उन्माद चल रहा है, बिजनेस की दुनिया में लाभ उन्माद चल रहा है। तो समाज की अभी जो स्थिति बनी है कुछ इस तरह की, अभी आप पढ़िए तो बड़े बड़े बिजनेस कैसे फेल कर जा रहे हैं, है ना। ऐसे लोग जिनको समाज में प्रतिष्ठित किया गया कि ये समाज के उत्कृष्ट लोग हैं, अब वही करप्शन के शिकार पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई है, परंतु अच्छी बात यह है कि कुछ सार्थक प्रयास भी हो रहे हैं समाज की ऐसी स्थिति के साथ, कुछ सार्थक प्रयास भी हो रहे हैं। हम जो प्रयास कर रहे हैं ये भी सार्थक प्रयास है। तो ये मानव लक्ष्य पूरा हो सकता है अगर हम इस विधि से चले, अगर हम व्यक्ति में परिमार्जन के साथ साथ चले तो मानव लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो अभी जहाँ समाज युद्ध का मैदान बना हुआ है या भीड़ बना हुआ है, वहां से निकलकर हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं कि नहीं, इतनी बात को लेकर जिनका यदि कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्ते भैया जी, सभी को नमस्ते। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ज्ञान अवस्था एक बार मानव में आ गई तो क्या वो, जैसे आपने भी थोड़ा बहुत बताया तो समझ में जो आया उसके हिसाब से ही पूछ रही हूँ। तो जैसे नई शरीर यात्रा जब हम शुरू करेंगे तो हमसे हमें फिर से वो अवस्था हमें बनी ही रहेगी या फिर से हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, मतलब जो हमने पुरानी शरीर यात्रा में जो हमारी मान्यताएं थी उसी के साथ हम शुरू करेंगे, मतलब उस पे अगर हमने एंड किया ज्ञान अवस्था में या फिर कुछ और मान्यता के साथ, कुछ सुसंस्कार के साथ, तो हम जो नई शरीर यात्रा शुरू करेंगे हम उसी के साथ शुरू करेंगे या फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, ये मेरा प्रश्न था। तो एक तो ये कि ज्ञान अवस्था, मानव ज्ञान अवस्था में आ गया, ज्ञान अवस्था और मानव एक ही बात है ना, तो आप ज्ञान अवस्था में है ही और आप एक चैतन्य निकाय है, इसी रूप में बने रहेंगे। जितना आप में विकास हो गया उतना बना ही रहेगा। तो अगर आपने चिंतन किया, जहां तक जागृत हुई है वो बनी रहेगी, इसलिए उसको विकास कहा, क्योंकि वो फिर उसमें रिवर्स प्रोसेस नहीं है। अच्छा, वो एक बार बन गया बना ही रहेगा। धन्यवाद भैया। होमवर्क रूप में देखें आज तो एक महत्वपूर्ण काम है कि जीना कैसा होगा, समाज कैसा होगा, सिस्टम्स कैसे होंगे, इसको अपने आप में चित्रित करना है आज होमवर्क के रूप में। ये दिखता है कि मानव प्रकृति अस्तित्व का एक अविभाज्य इकाई है और उसमें एक निश्चित भागीदारी है। जो दूसरी अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, उनका पहले से एक निश्चित भागीदारी बना हुआ है और वो उसके अनुसार भागीदारी कर भी रहे हैं। सिर्फ मानव के बारे में देखते तो ऐसा दिखता है कि उसको समझना है और तभी वो भागीदारी को कर पाता है। तो हमें अपने आप में इस बात को चित्रित करने की जरूरत है कि ज्ञान के साथ मेरा आचरण कैसा होगा, ज्ञान के साथ परिवार की स्थिति कैसी होगी, ज्ञान के साथ समाज कैसे काम करेगा, समाज के सिस्टम्स कैसे काम करेंगे, खेती बाड़ी कैसी होगी, न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी, डॉक्टर्स का रोल क्या होगा, लॉयर्स का रोल क्या होगा, है ना, नेता चुने जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे, चुनाव कैसे होंगे, है ना, देश कैसे काम करेगा, देश और देश के बीच के संबंध कैसे होंगे। ये एक चीज है जो हमें अपने अंदर चित्रण में फैलाने की जरूरत है, इसको ठीक से विचार में फैलाने की जरूरत है, तो उससे हमारे अपने में भी काफी स्पष्टता बनेगी। एक बार हमको वो स्वरूप स्पष्ट होता है तो आज हम जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ हम भागीदारी कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहां हमको शिफ्टिंग के अवसर भी दिखाई देते हैं। एक मानवीय समाज में मकान कैसे बनेंगे, भोजन कैसे तैयार होंगे, कपड़े कैसे पहने जाएंगे, है ना, उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा, सैटेलाइट्स कैसे और क्यों काम करेंगे, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट का क्या रोल होगा, तो ये सब हम अपने आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी जो कुछ भी हो रहा है सब अनर्गल है, इसमें काफी कुछ सस्टेन करेगा और काफी कुछ इसमें परिवर्तन भी किया जाएगा। तो इसको अपने आप में चित्रण में फैलाना है, अपनी कल्पनाशीलता में फैलाना है, उसको देखना है।
आज के लिए होमवर्क है, सो करके देखें, काफी उपयोगी रहेगा। तो अभी जो हमारा कल्पनाशीलता काफी टुकड़ों टुकड़ों में चलता है, सेगमेंटेड रहता है ना, घटनाओं पे ही आधारित हम बहुत सारा कल्पना करते रहते हैं, उसके बजाय हम संपूर्णता को अपने आप में देखने का प्रयास कर पाएंगे। आज ये होमवर्क रूप में रहेगा। इतनी चर्चा के साथ किन्हीं के यदि कोई प्रश्न बनता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो आज के लिए जो असाइनमेंट है इसी रूप में है कि हमको अपने अंदर इस चीज को फैला कर देखना है कि ज्ञान के साथ मानव की स्थिति कैसी बनेगी, मानव की भागीदारी कैसी होगी, समाज की स्थिति कैसे बनेगी। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपके बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं कि इतनी अवेयरनेस हमारे में आई। सच्ची में ये फैक्ट है, ये रियलिटी है सर कि हम लोग जहाँ आज जिस पोजीशन पे मैं आज पहुंची हूँ विद इन एक साल में, यूएचवी फर्स्ट में मैंने जैसे बच्चे की शादी करी और मेरे नेचर में स्वभाव में इतना परिवर्तन आया, और उसके साथ आज तो मैं सच कह रही हूँ कभी आप फेस टू फेस मिलेंगे तो सच सर आपके पैर छूने तो बनते हैं। नहीं, हम सभी इसी प्रक्रिया में हैं, हम सभी को एक्सप्लोरर्स हैं, है ना, हम सभी को एक दूसरे के प्रश्न से उत्तर से शेयरिंग से विकास हो रहा है। जी हम सभी नहीं सर, बहुत हम लोग जो वहां पर भी गए गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में जो गोपाल बाबू और मैम थी जो और सर थे पांडे सर, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिजायर शब्द को, यानी कि जो हम एक शब्द पहले सोचते थे डिजायर बस एक इच्छा, इसके ऊपर हमने कभी विचार ही नहीं करा था और समझा ही नहीं था, उस शब्द को नहीं समझा था, कितने अच्छे तरीके से वो शब्द हमें विद इन 25 मिनट्स में उन्होंने समझाया, और उस शब्द को ज्यादा उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करा था पांडे सर ने, और थोड़ा सा ही समझाया था, थोड़े से समझने के बाद लगो अरे इतना बड़ा इसके ऊपर हम लोग थीसिस हैं और इतनी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये एक वर्ड भी कितना वेटेज रखता है। तो यहाँ से मैंने ये भी सीखा सर कि वर्ड्स में भी बहुत सारी वेटेजेस है जिसको हम समझ ही नहीं पाते, उन चीजों को वो समझने के लिए भी ज्ञान तो जरूरी है ये सर, वो ज्ञान की अवेयरनेस तो आप लोगों ने यूएचवी ने हम लोगों को दी है। आप भी बहुत मन लगा के हर दिन सुबह में सुन रही हैं और अच्छी बात है कि पूरे भाव के साथ सुन रही हैं, तो है ना, भाव तो है ये, पर जो मेरे में परिवर्तन आया, मेरे फैमिली में इतना परिवर्तन आया ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे प्रभाव, मैं कहा इसका इतना जल्दी रिजल्ट आया, फैमिली में रिजल्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली हम और चार लोगों के साथ जब हम बात करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, हम चार में फर्क आ रहा है और चार में आगे वो चार भी तो किसी से कनेक्टिविटी हो रही है, उन लोगों में भी आएगा ही परिवर्तन। तो वो जो समझ आई उस चीज की, जो हमने समझ राइट अंडरस्टैंडिंग से हमारी जो अवेयरनेस आई, वो सच में कह रही हूँ सर उसके लिए मेरे पास ये शब्द नहीं है। और लोगों ने मेरे को खुद भी कहा आप में बहुत सारा चेंजेस आया, कैसे आया? और लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं मेरी भाभी जो कि मैं सोचती थी कि कहने की बात है सर, इतने सारे लोग सुन रहे हैं बीच में, पर मेरी भाभी के साथ बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन थी, और अभी हाल फिलहाल हम लोग जब अवेयरनेस हुई तो मैंने उनसे बात डायलॉग बाजी करी तो वो कह रही है दीदी आप में इतना सारा चेंज आया, फैमिली और फैमिली में भी परिवर्तन आ रहा है तो सोसाइटी में ऑब्वियसली आएगा ही आएगा सर। हाँ, अपना भी अपना एक छोटी समस्या थी मेरे साथ में कि परिवर्तन तो बहुत हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट दिखाई पड़ता ही थी, लेकिन भैया जैसे उदाहरण के तौर पर लेना कि हमको ये समझ में आ गया कि मिठाई खाना गलत है और इससे नुकसान भी हो सकता है शरीर को, तो ये बात समझ में आ गई और उसको दूर कर दिया भाई, और ज्ञान भी बांटने लगे कि हाँ इसको कहोगे तो डायबिटीज हो जाएगी, दिक्कतें आएंगी। लेकिन भैया ये चीज हमारे साथ में 3-4-6 महीने तक चलती है, यहाँ बिल्कुल ज्ञान भी बांटते हैं, खुद भी समझ में आता है कि ये काम नहीं करना है, और फिर एकदम से कभी फिर वही काम करने लगते हैं, फिर मिठाई खा ली। तो भैया ये चीज पिछले 2-3 सालों में देख रहा हूँ कि शुरुआत में तो ये चीज बहुत तेजी से होती थी लेकिन करते करते कम हुई, आज की डेट में नो डाउट डेवलपमेंट बहुत देख रहा हूँ मैं, जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वहां पे भी बहुत सौहार्द हर का माहौल बना रहता है, अपने में एक हारमोनी बनी रहती है।
लेकिन ये बीच में गड़बड़ हो रही है, इसके लिए आप बार बार कहते हो कि नहीं अभी और एक्सप्लोरेशन करो और आगे भी इस पे प्रयास करते रहिए, चीजें ठीक होंगी। लेकिन भैया कुछ और बताइए कि इतना करने के बाद भी वो गड़बड़ हो जाती, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लेकिन जो एक स्थिति पहुंचने की बात होती है कि अब इसके बाद विकास हो गया तो अब पिछलना नहीं है, गिरना नहीं नीचे, वो चीज कैसे लाई जाए भैया? जी तो बहुत सारे जो पूर्व संचित संस्कार है ना वो अमूल्यांकित रह जाते हैं, उसको ठीक है बारी बारी से उस पर काम करेंगे। जैसे मिठाई नहीं खाना है तो क्या खाना है अगर तय ना हो, तो वो संस्कार रूप में कहीं ना कहीं तो बना ही रहता है, हम उसको रोकते हैं भर। तो जो पूर्व संचित संस्कार है उस पर तो बात हो रही थी कि जब चिंतन बोध अनुभव में जागृत होते हैं तो फिर चिंतन को गाइडेंस सही मायने मिलता है, अदरवाइज से पहले हम यही सब बहुत सारे विधि और निषेध बना के चलते रहते हैं कि ये करना ये नहीं करना है, इससे बात बनती नहीं है, बात बनती है चिंतन बोध अनुभव से ही। थैंक यू भैया। क्या आप हम लोग समाप्त कर लेते हैं आज के सत्र को? सभी को नमस्ते।